चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस स्टार कनेक्टेड सिस्टम में हमारा पावर कितना होगा, है ना। पावर, अब पावर कई तरह के मैंने बताया था आपको, रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर। ठीक है, तो अब हम पावर की बात कर लेते हैं। इसमें पावर इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम, ये हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, अब अगर हम फेजर डायग्राम की तरफ ध्यान दें तो ये हमारा वी ए या ई ए, जिस जो भी आप नाम दें, वी बी और वी सी, ये फेज वोल्टेज है ना। वी ए, वी बी, वी सी, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया आपको कि जब वोल्टेज फेज में डेवलप हो रहा है तो सब लोड को लगाएंगे तो वो करंट भी डेवलप करेगा, है ना। जैसा हमने यहाँ पे ये हमारा है बताया मैंने कि आई ए, आई बी और आई सी इसमें फ्लो भी करेगा क्योंकि ये सोर्स है, तो ये करंट देगा दूसरों को, है ना। जो लोड इधर लगा होगा तीनों टर्मिनल से उसको देगा सप्लाई। तो ये जो करंट है, ये करंट तीन तरह का हो सकता है। करंट लीडिंग भी हो सकता है, लैगिंग भी हो सकता है और इन फेज भी हो सकता है ना, जिसको हम जीरो पावर फैक्टर कहते हैं, सॉरी यूनिटी पावर फैक्टर, है ना। तो ये तीनों तरह का चीज़ हो सकता है। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हम करंट कैसा ले रहे हैं, लैगिंग ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोड लैगिंग नेचर का होता है ना। तो लैगिंग लोड हम यहाँ पे सपोज करके और एक हम बना रहे हैं करंट को, तो वोल्टेज ए से जो करंट लैग करेगा कुछ एंगल से, उसको हमने कह दिया आई ए, ठीक है। बी से जो लैग करेगा करंट, उसको हमने कह दिया आई बी, और सी से जो लैग करेगा उसको हमने करंट को कह दिया आई सी, ठीक है। अब देखिए लैग कैसे कर रहा है, ये है वोल्टेज, इससे नीचे है ना, ये वोल्टेज है इससे नीचे है, नीचे मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वोल्टेज है इससे नीचे है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे प्लेस्ड हैं अपने रिस्पेक्टेड वोल्टेज से, रिस्पेक्टिव वोल्टेज से कुछ एंगल से। इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर एंगल, तो ये कहलाएगा फाई, समझ गए, ये एंगल हमारा कहलाएगा फाई। तो अब यहाँ पे जो पावर लिखेंगे हम, है ना, पावर, इसमें पहला रियल पावर या एवरेज पावर जिसको कहते हैं, पी से जिसको दिखाते हैं आप, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, हम लोग लिखते हैं एक फेज के लिए क्या लिखते हैं, वी आई कॉस फाई, है ना। यहाँ पे तीन फेज हमारे पास हैं तो क्या लिखेंगे, थ्री इंटू पावर इन वन फेज, ये लिखेंगे। अब एक फेज में पावर आप लिख दीजिए, एक फेज में पावर कितना हो जाएगा, फेज में पावर का मतलब फेज वोल्टेज और फेज करंट को लेना है आपको, तो लिखेंगे हम थ्री इंटू वी पी आई पी और कॉस फाई, ये तो हमने बताया ही था एक फेज में रियल पावर या एवरेज पावर इतना ही होता है, वेयर वी पी आई पी क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज, ये बताया था हमने। चलिए ये तो हो गया फेज वोल्टेज फेज करंट के टर्म्स में। लेकिन आपको पता है थ्री फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज भी हम लोग डिनोट करते हैं, लाइन वोल्टेज के टर्म्स में भी उसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको लाइन वोल्टेज के टर्म्स में बताना है तो कितना होगा, ये हमारा क्या है, थ्री फेज रियल पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये आपको याद रखना है कि थ्री इंटू वी फेज आई फेज इस तरह होता है। अब इसी को हम थोड़ा और मॉडिफाई कर लें, थ्री इंटू, अभी देखा आपने कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज होता है, तो यहाँ से फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी एल बाई रूट थ्री, यही रिलेशन हो जाएगा।
तो यही हमने लिख दिया वी एल बाय रूट थ्री। ये तो हो गया वोल्टेज के लिए। करंट, करंट में स्टार कनेक्शन में आपने देखा है कि फेज वोल्ट, फेज करंट और लाइन करंट दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई एल, है ना, मतलब लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम होता है, और कॉस फाई तो ये रहेगा ही, तो ये रूट थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई। ठीक है, तो पावर को आप ऐसे भी बताते हैं लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म्स में, ये दोनों इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू, मतलब वाइवा आपका होगा उसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो ये हो गया पावर, कौन सा रियल पावर। सेकंड वन इज रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्यू, तो क्या लिखते हैं इसको, थ्री टाइम्स उसी तरह से वी पी आई पी साइन फाई। तो ये हो गया फेज वोल्टेज के टर्म्स में, इसी को हम लाइन वोल्टेज के टर्म्स में लिखेंगे रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाई। ठीक है, और अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, है ना, ये क्या हो जाता है, सिंपली वी पी इंटू आई पी एक फेज का और थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री फेज का, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट थ्री वी पी वी एल इंटू आई एल। तो ये हो गया तीनों पावर्स जो हम थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम। उसी तरह से जो दूसरा है वो है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। सेकेंड वन इज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं वो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। ये एक फेज का एक टर्मिनल दूसरे फेज के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होकर इस तरह से डेल्टा की तरह कनेक्शन फॉर्म करता है। ठीक है, सपोज ये है ए, ए डैश फेज ए का, है ना, दूसरा हो गया बी, बी डैश बी फेज का, सी, सी डैश तीसरे फेज का, सी फेज का, तो ये हो गया हमारा फेज ए, फेज बी और फेज सी। ठीक है, तीनों इस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये हो गया हमारा, मैं ऐसा लिख सकते हैं फेज जो टर्मिनल है इसका नाम दे सकते हैं आप, ए बी और सी। ठीक है, तीनों फेज से टर्मिनल हमने बाहर निकाल लिया, उसको हमने कर दिया ए बी और सी। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे दो लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज यहाँ भी कहेंगे, और यहाँ पे न्यूट्रल तो कहीं बन नहीं रहा है, न्यूट्रल वो कनेक्शन होता है जहाँ पे तीनों फेज के टर्मिनल्स आपस में जुड़े होते हैं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे न्यूट्रल नहीं अवेलेबल होता है ना। तो इस केस में आप देखते हैं कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों क्या होता है इसमें, सेम ही होता है। फेज वोल्टेज मतलब इस फेज का वोल्टेज, तो इस फेज का वोल्टेज वही है जो इसके ये दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है, और ये दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज का मतलब ये लाइन के बीच का वोल्टेज, और लाइन के बीच का वोल्टेज हमने बताया था लाइन वोल्टेज को कहते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा जो वोल्टेज है ये है, ये हो गया आपका V A B, है ना,
ये वोल्टेज वी ए बी है, ये है वी बी सी, और ये हमारा ए और सी के बीच का जो वोल्टेज है इसको हमने कह दिया वी सी ए। क्लियर है? तो इन हेयर डेल्टा कनेक्शन तो है, वी ए बी है ना इज इक्वल टू वी ए, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली सबको कह सकते हैं बी सी वी बी वी बी, हाँ, और वी सी ए ये हो जाएगा वी सी के बराबर। मतलब हुआ कि लाइन वोल्टेज, ठीक है, वो फेज वोल्टेज के बराबर है। लाइन वोल्टेज वी एल इज इक्वल टू फेज वोल्टेज वी पी। अब वी एल में लाइन वोल्टेज में सबको कह सकते हैं कि वी ए बी वी बी सी वी सी ए, तीनों में से कोई सा भी वोल्टेज आ जाएगा लाइन वोल्टेज, और वो उसके फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम ही होता है। अब करंट की बात करें तो सपोज फेज ए में करंट फ्लो हो रहा है आई ए, फेज बी में करंट फ्लो हो रहा है आई बी, फेज सी में करंट फ्लो हो रहा है आई सी। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा फेज मतलब ए में, लाइन ए में कितना होगा करंट फ्लो? तो लिख सकते हैं कि आई ए माइनस आई सी, आई ए माइनस आई सी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आई बी माइनस आई ए, और यहाँ पर आई सी माइनस आई बी है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइन करंट और फेज करंट दोनों सेम नहीं है। लाइन करंट कौन कहलाएगा? जो इस लाइन में फ्लो करेगा करंट, और फेज करंट जो इस फेज में करंट फ्लो करेगा। तो फेज में यहाँ देखिए करंट फ्लो रहा है आई ए, और यहाँ जो फेज लाइन में करंट फ्लो रहा है वो आई ए माइनस आई सी है। क्लियर है? तो देखिए वोल्टेज जो होता है, हाँ, तो यहाँ पे अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे है ना, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो लाइन करंट होगा, अगर हम लिखें कि लाइन करंट, लाइन करंट, ठीक है, अगर हम कह दें इसको कह दें आई वन है ना, इसको कह दें आई टू, और इसको कह दें आई थ्री। तो आई वन ना, ये लाइन करंट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आई ए माइनस आई सी। ठीक है, ये लाइन करंट हो गया आई टू, आई बी माइनस आई ए, आई थ्री ये हो जाएगा आई सी माइनस आई बी। ठीक है, अब आई ए का मैग्नीट्यूड, आई बी का मैग्नीट्यूड, आई सी का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए है ना। ये मैंने बताया था कि बैलेंस्ड होने के लिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तीनों फेज का सेम होना चाहिए, करंट का मैग्नीट्यूड उसी तरह से तीनों फेज का सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, फेज एंगल 120 डिग्री से लीड लैग करता हुआ है ना। तो यहाँ से उसी तरह से जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको आ जाएगा किसी लाइन वोल्ट लाइन करंट जो होगा वो हो जाएगा रूट थ्री टाइम्स आई पी, मतलब ये हो गया लाइन करंट, और ये हो गया फेज करंट। ठीक है, तो लाइन करंट इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स फेज करंट।
तो ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में कहाँ गया, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होता है, लेकिन लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन √3 टाइम्स, ठीक है। और पावर, पावर बिल्कुल सेम ही होगा, है ना। अगर पावर की बात करें, पावर की बात करें तो रियल पावर क्या हो जाएगा, 3 × V फेज I फेज cos φ, ये हो गया रियल पावर। अगेन यहाँ पे 3 × फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज तो सेम हो गया, लेकिन फेज करंट और लाइन करंट में रिलेशन हो गया इस तरह से IL/√3। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको अगेन √3 VL IL cos φ। तो पावर में देखिए कोई चेंज नहीं होता है, चाहे वो लाइन स्टार कनेक्टेड सिस्टम रहे या डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम रहे, जो 3 फेज पावर होगा है ना, वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, sin φ, और S जो होगा वो हो जाएगा √3 VL IL या 3 × V फेज I फेज। तो ये सब जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, कितना होता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में पावर और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में पावर, वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, तो ये चीज़ें आपको रखनी है याद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 फेज सिस्टम ओवर हो गया। थैंक यू।